श्री महेश्वरम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। जो समान निश्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास करें। प्रत्येक अंदर जाने वाला श्वास बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों का एहसास दोनों सांस का एहसास नासिका से स्पर्श कर श्वास अंदर जाता हुआ और फिर स्पर्श करता हुआ बाहर जाता हुआ और इन दोनों श्वासों में क्या अंतर है, इसको जानने की कोशिश। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, इन दोनों श्वासों में क्या अंतर है, इसको जानने की कोशिश। पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रत्येक श्वास को जानने की कोशिश करें कि जो श्वास अंदर जा रहा है और जब श्वास बाहर आ रहा है तो उन दोनों श्वासों के बीच में क्या अंतर है, श्वासों के सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म संवेदना को पकड़ने में सहायक होगा। जब दोनों श्वासों के अंतर को हम पहचान पाते हैं तो एनर्जी की जागृत होते हुए सूक्ष्म तरंगों को भी हम जान पाते हैं, उनको भी पहचान पाते हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए ऊर्जा के प्रवाह को देखें।
निरंतर बढ़ती ऊर्जा के प्रवाह का एहसास, तो जो निरंतर ऊर्जा बढ़ती है उसको हम सहज में जान पाते हैं अगर हम सांसों के बीच का अंतर जान लें, क्योंकि अंदर जाने वाला श्वास और बाहर जाने वाला श्वास दोनों में अंतर है, लेकिन इतना अंतर सूक्ष्म है कि उन तरंगों का उस बदलाव का हमें पता नहीं चलता। और हम इस बदलाव को पहचानने लग जाएं तो ध्यान में घटित होने वाली प्रत्येक सूक्ष्म संवेदनाओं को हम एहसास करने लगते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों का हम एहसास करने लगते हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह और इस ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगों को जानने के लिए श्वासों के मध्य का अंतर जो श्वास अंदर गई वो कैसी है और अंदर से जो श्वास बाहर आई है वो कैसी है, अपने अपने स्तर पर अपने अपने अनुभव के आधार पर उसके अंतर को महसूस करें। और जो भी सूक्ष्म अंतर महसूस होता है उसको हर श्वास के साथ बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे अंतर स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे आपकी संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ने की क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। और इस अनंत ऊर्जा का अनुभव आप सहज में करते चले जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा भी इतनी सूक्ष्म है जिसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जिस ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पाते उसका भी एहसास हमें होने लगता है। परमात्मा की ऊर्जा की प्रत्येक किरण का अनुभव हमको होने लगता है, क्योंकि हमारी चेतना सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने में सक्षम हो जाती है। और जितना सूक्ष्म तरंगों को पकड़ते हैं उतने ही अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतने ही अनुभव, उतने ही गहराई, उतने ही गहरी साधना होती चली जाती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि शरीर स्थिर रहे, शरीर में कोई हलचल ना हो,
और जब संवेदनाओं को, तरंगों को आप ध्यान से देखते हैं, एहसास करने लगते हैं, सत्य का अनुभव करने लगते हैं, तो फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मन के तर्क, मन के उथल पुथल शांत हो जाती है, क्योंकि हमें उसके लिए कोई प्रमाण नहीं देना। हम ऊर्जा से जुड़े हैं या नहीं, ये हम स्वयं जानने लगते हैं। मन के तर्क खत्म हो जाते हैं, वरना साधना के मार्ग पर हम खुद से ही तर्क करते हैं कि हमारी साधना हो भी रही है या नहीं, हम साधना में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं, और उसके लिए भी हम अपने आप से प्रमाण मांगते हैं कि हमें आज प्रकाश दिखाई दिया या नहीं, कोई दृश्य दिखाई दिया या नहीं, शरीर में कोई कंपन हुआ या नहीं। जैसे दो प्रेमी आपस में जब प्रेम करते हैं तो वो भी प्रमाण जुटाने में लगे रहते हैं, दोनों ही कोशिश करते हैं कि मैं प्रेम करता हूं तो ये साबित हो जाए। और एक दिन वो जाते हैं, क्योंकि तो प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता, प्रेम का कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। उपहार दिया जा सकता है, प्रेम में नाच ना आ सकता है, गाना आ सकता है, खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो एक नाटक हो, एक अभिनय हो, अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और, तो किसी भी भाव के लिए प्रमाण नहीं दिया जा सकता, ना तो भौतिकता के प्रेम के लिए, ना परमात्मा के प्रेम के लिए। उसका तो केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको स्वयं को स्वीकार करना पड़ता है। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं यह हमें स्वीकार करना है, और इसके लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा का अनुभव हम करते हैं, उसकी तरंगों का अनुभव हम करते हैं, उसकी कृपा का अनुभव हम करते हैं, उसके प्रेम का अनुभव हम करते हैं। और अगर ये सूक्ष्म तरंगों का हम अनुभव करते हैं तो फिर किसी के कहने की या ना कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहती, कुछ देखने की या ना देखने की हमें जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हमें विश्वास आ चुका है, हम स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, परमात्मा हमसे प्रेम कर रहा है, हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, तो कुछ बाकी ही नहीं बचा, ना कोई प्रमाण देने की जरूरत बची, ना कुछ प्रमाण पाने की जरूरत। और जब तक प्रमाण पाने की जरूरत है, प्रमाण पाने की आवश्यकता है,
तब तक प्रेम अधूरा है, विश्वास अधूरा है, श्रद्धा अधूरी है। अगर आपके मन में विचार आता है कि वो परमात्मा मुझे रूप किसी रूप में दर्शन दे, तो अभी साधना अधूरी है, क्योंकि वहां पर आप प्रमाण चाहते हैं स्वयं से। मन का तर्क चालू है, अगर मन को सोचना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जहां दो विकल्प होते हैं पर प्रमाण क्रियाशील होता है, लेकिन जब साधना गहरी हो जाती है, प्रेम गहरा हो जाता है, श्रद्धा और विश्वास से संबंध टूट हो जाता है, तो फिर सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत। जो होता चला जाता है उसके साथ बहते चले जाते हैं, जब गहरे प्रेम में उतरते हैं तो फिर सही गलत का कोई चुनाव नहीं रह जाता। सिर्फ उस परमात्मा के आनंद में डूबते चले जाते हैं, कोई चुनाव नहीं, कोई सही गलत का फैसला नहीं होता। और जिस पल अध्यात्म में आप चुनाव रहित हो गए, उस पर अध्यात्म में परमात्मा का अनुभव हर क्षण कर पाएंगे। सही संत, सही सिद्ध, ऐसा ही आत्मज्ञानी पुरुष वही है जो केवल उस दिशा में बहता चला जाता है, वह कभी विरोध नहीं करता। जैसा सूर्यमुखी का फूल आपने देखा होगा, सूर्य की दिशा के साथ साथ वह भी घूमते चला जाता है, सूर्य के साथ चलता है, वह कभी निर्णय नहीं करता, कभी संकोच नहीं करता, कभी प्रमाण नहीं मांगता कि मुझे ये ही करना है, मुझे इसी दिशा में क्यों घूमना है। वह तो केवल उस दिशा में बहता चला जाता है, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी अच्छे बुरे के फैसले के, बिना सही गलत के। और इसलिए सूर्यमुखी का बीज काफी पावरफुल होता है, क्योंकि वह परमात्मा की ऊर्जा के दिशा में अनुरूप घूम रहा है। परमात्मा की दिशा के साथ साथ अगर हम भी चलते हैं तो हम भी उस अनंत ऊर्जा के साथ बहते चले जाते हैं, अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता चला जाता है,
मुश्किलें हमें चुनाव नहीं करना पड़ता कि हमें परमात्मा की दिशा में जाना है, हमें सही गलत का भी फैसला नहीं करना होता, अध्यात्म में सिर्फ उस ऊर्जा के सहारे आगे बढ़ते जाना है, बहते जाना है उस परमात्मा की दिशा में, और बहते बहते उस परमात्मा का अनुभव अनंत होता चला जाता है। और फिर वह साधक सदा शुभ ही शुभ होता है, वह जिस भी रास्ते पर बढ़ता है हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, उसके द्वारा भी जो कार्य होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। साधक को चुनना नहीं पड़ता, जो अच्छा है उसकी ओर वह स्वयं बढ़ता चला जाता है। उसको रास्ता तय नहीं करना होता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, एक बार सही रास्ते का चुनाव कर लिया बस उसी ओर बढ़ते जाना है। उसके मन में कभी तर्क भी नहीं होगा वितर्क भी नहीं होगा, हजारों लोग कहें कि रास्ता सही नहीं है फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो उस रास्ते पर आगे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है जिस रास्ते को उसने चुना है वही सत्य है। जब तक हमारे मन में किसी के कहने से भ्रम पैदा हो जाए या हमारा चित्त ही हमारे अंदर भ्रम पैदा कर दे, क्योंकि कई बार बाहर का तो कोई व्यक्ति भ्रम नहीं करता लेकिन हमारा चित्त हमारा मन ही हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देता है, वही तर्क वितर्क करने लगता है कि इस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि आप जो भी चुनाव करते हैं उसके विरोध में मन हमेशा खड़ा रहता है। मन का काम ही है विरोध में खड़े होना, मन हमेशा विपक्ष में खड़ा होता है, आप अच्छा कर रहे हैं तो भी उसके विरोध में खड़ा है और अगर बुरा कर रहे हैं तो भी उसके विरोध में खड़ा है, वह दोनों ही बातों के विरोध में रहता है, अच्छे के भी और बुरे के भी। दोनों ही बातों का विरोध वह निरंतर करता है। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखना है, आपका विश्वास आपका श्रद्धा आपकी प्रेम उस परमात्मा के प्रति कितना गहरा है, जब साधक की स्थिति उस स्टेज पर पहुंच जाती है वो प्रेम इतना गहरा हो जाता है, उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जो हो रहा है वही अच्छा है, जो परमात्मा दे रहा है वही अच्छा है, तो फिर तक खत्म हो जाते हैं।
फिर बुरा खत्म हो जाता है, फिर दुख खत्म हो जाते हैं, फिर जो मिलता है वही आनंद है, वही परमानंद है, वही परम अनुभव है और वही गोपियों जैसा प्रेम। जो अनंत ब्रह्मांड में प्रवाहित कर देता है, जहां कोई चाह नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, ना कुछ पाने की ना कुछ खोने की, एक अनकंडीशनल प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं रखी, ऐसा प्रेम उस परमात्मा के प्रति जहां कोई चाह ही नहीं है कि ये कुछ मिल जाए हमको, हमें कुछ प्राप्त हो जाए, कोई चाह नहीं है, जो वो देते उसी में संतुष्ट, उसी को हम स्वीकार करने के यही रास्ता सही है, क्योंकि वह कभी गलत चुनाव नहीं करता। वह जो देता है सदा अच्छा देता है, वह अनंत देता है, तो फिर विकल्प ही नहीं बचता, तर्क ही नहीं बचता, अगर मन में विचार आया कि जो मिल रहा है वो बुरा है या जो हो रहा है वो गलत है, तो फिर अभी प्रेम पूरा नहीं है, अब इस परमात्मा से जुड़ाव अधूरा है, विश्वास अधूरा है, और जब हम साधना उस हिस्सा पर पहुंच जाती है, तो मौन प्रकट हो जाता है, शांति प्रकट हो जाती है, सारे मापदंड छूट जाते हैं जो हमने परंपराओं से सीखा है, जो हमने जन्म के संस्कारों में सीखा है, वह सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सत्य हमारी सीमाओं से बाहर है। सभी संस्कारों से आगे, सही मान्यताओं से आगे सत्य को स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करते जाएं, और जो भी ऊर्जा का अनुभव हो उसको आगे बढ़ते जाएं, ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया ना कोई कामकांड, हर पल एक वही परमात्मा का रूप या परमात्मा की ऊर्जा
ऐसी अवस्था जहाँ चलते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त उसका अनुभव हो, उसी का एहसास हो हर पल, उसका आनंद और उसकी अनुभूति आनंद प्रेम की अनुभूति अनंत ऊर्जा की अनुभूति ना कोई विचार, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, केवल अच्छे का अनुभव करते जाओ और अच्छे काम करते जाओ। कोई अच्छे का अनुभव, अच्छे का एहसास ये उस परमात्मा का एहसास है जो आपके अंदर सकारात्मक तरंगों को बढ़ा देता है, आपको सकारात्मक कर देता है। वही परमात्मा का अनुभव है। उस अनंत परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव उस अनंत गहरी शांति का अनुभव
गहरी साधना, गहरा अनुभव। और जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे, धीरे धीरे चेतना में वापस। दो गहरे सांस भरें, सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।